नमस्कार, मैं कंचन नेगी, प्रस्तुत है दोपहर समाचार। आज विश्व क्षय रोग दिवस है। इसकी पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों से भारत को टीबी मुक्त बनाने का आह्वान किया। राष्ट्र के नाम अपने संदेश में राष्ट्रपति ने टीबी के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इससे क्षय रोग को नियंत्रित करने की चुनौतियों के बारे में लोग जागरूक हो सकेंगे। उत्तराखंड में भी इस मौके पर विभिन्न जिलों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिलों में निश्चय मित्रों के माध्यम से रोगियों को पोषण आहार के लिए प्रेरित किया जा रहा है, साथ ही समाज को इस रोग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मौसम विभाग ने 26 मार्च तक पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र में गरज के साथ आंधी तूफान और वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम में अगले दो दिनों में कहीं कहीं भारी बारिश, बिजली चमकने और आंधी आने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 29 मार्च तक हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं अंधड़ आने का अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड में 29 मार्च तक हल्की वर्षा और आंधी तूफान की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार रायलासीमा, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 27 मार्च तक उमसभरी गर्मी बनी रहने का अनुमान है। प्रदेश में 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। प्रदेश में 5 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है। इस बीच कांग्रेस ने भी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। हरिद्वार सीट से कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि नैनीताल उधम सिंह नगर से प्रकाश जोशी को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस अपने 3 प्रत्याशी पहले ही घोषित कर चुकी थी। कांग्रेस ने पौड़ी से गणेश गोदियाल, टिहरी से जोत सिंह गुनसोला और अल्मोड़ा से प्रदीप टमटा को मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी पहले ही अपने 5 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। भाजपा ने हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पौड़ी से अनिल बलूनी, नैनीताल से अजय भट्ट, अल्मोड़ा से अजय टमटा और टिहरी से माला लक्ष्मी शाह को चुनाव मैदान में उतारा है। चमोली जनपद में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत सोशल मीडिया पर इलेक्शन आइकॉन की ओर से मतदाताओं को संदेश देकर शत प्रतिशत मतदान के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही विभिन्न संस्थानों में होली मिलन कार्यक्रम आयोजित कर मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया गया। स्वीप कार्यक्रम के तहत फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर वीडियो और रील के माध्यम से चमोली के इलेक्शन आइकॉन संजीव बटोला, सुरेंद्र कमांडर, धीरेन्द्र सिंह, आदित्य नेगी ने मतदाताओं से आगामी 19 अप्रैल 2024 को होने वाले मतदान में शत प्रतिशत मतदान करने की अपील की। इसके अलावा कार्यक्रम के तहत राजकीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोपेश्वर में युवा मतदाताओं ने होली मिलन कार्यक्रम आयोजित कर मतदाताओं को जागरूक किया। स्वीप टीम की ओर से ग्वार, देवलधार, क्यारकी, गंगोल गांव और पमलधार में तथा दिव्यांग और वृद्ध मतदाता जागरूकता वाहन के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान स्वीप कार्मिकों की ओर से मतदाताओं को सक्षम ऐप की भी जानकारी दी गई। देशभर में होली के त्यौहार की तैयारियां चल रही हैं। आज होली का दहन किया जाएगा। प्रदेश में भी होली के त्यौहार को लेकर उत्साह का माहौल है। देहरादून में भी जगह जगह होली का दहन के लिए तैयारियां की जा रही हैं। उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ मंदिर में आज भस्म की होली खेली गई। वहीं पौड़ी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में भी आज होली का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने कहा कि होली मेलजोल का त्यौहार है। जैसे हम सभी त्यौहारों को अपने परिवार के साथ मिलजुल कर मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार जहां हम सेवा करते हैं, सेवा देते हैं, यानी दफ्तर भी हमारा परिवार है, यहाँ भी तीज त्योहार उसी तरह मनाया जाना चाहिए। होली मेरा मानना यह है कि हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर है, हमें आपस में प्यार से मिलजुल के रहना सिखाती है और मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो विभाग है ये भी एक परिवार की तरह से है और जैसे हम अपने परिवार के साथ हर पर्व को मनाते हैं तो एक बड़ी अच्छी परंपरा है और मेरा मानना है कि ये सभी विभागों में भी होना चाहिए। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार। गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा गुरु
गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा और सेवक नैन चकोर अष्ट पहर निरखत रहूं मैं गुरु चरणन की ओर। क्यों कि गुरु कुम्हार शिष कुंभ है और गड़गड़ काड़े खोट अंदर हाथ सहार देन बाहर मारे चोट। तो संत मिलन को चालिए संत मिलन को चालिए और तज माया अभिमान और जो जो पग आगे धरो तो कोटि यज्ञ समान। अगर हमें गुरु से मिलना हो ईश्वर से मिलना हो गॉड को मिलना हो परमात्मा को मिलना हो तो कुछ उसका श्रृंगार करना पड़ेगा और वो श्रृंगार के बिना पिया रिझने वाला नहीं। कबीर कहते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक श्रृंगार होता है। उस बीच में अगर हमें गुरु से मिलना हो सदगुरु से मिलना हो तो उसका श्रृंगार करना पड़ेगा। कैसे सतगुरु से मिलवा चालो रे सजो सीन गरु ओ मालिक से मिलवा चालो रे सजो सीन गरु सतगुरा से मिलवा चालो रे सजो सीन गरु प्यारो रे पिया जी से साहिब से मिलवा चालो रे सजो सीन गरु एच गुरु शब्द को झाड़ू ले कर कचरो पर निवारो रे एच गुरु शब्द को झाड़ू ले कर कचरो पर निवारो रे बीरी सतनाम की टिकी लगाई के गुरु नाम की टिकी लगाई के फिर सत्संग सुरमो सारो रे पिया जी से साहिब से मिलवा चालो रे सजो सीन गरु मालिक से मिलवा चालो रे सजो सीन गरु ऐसी लगन लूगड़ी और सुहागन प्रेम की पाटल पाड़ो रे ए जी लगन लूगड़ी और सुहागन प्रेम की पाटल पाड़ो रे वामे गुरु गम कोरी किनारी